नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो एक अकेला पौधा आपके किचन के सभी मसालों की छुट्टी कर देगा। इस पौधे को लगा लेने के बाद आपको किसी और मसाले की जरूरत आपके किचन में नहीं पड़ने वाली है। तो ये पौधा कौन सा है और इसकी केयर कैसे करनी है, सारी चीज़ें वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से और जल्दी मिल जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि ये पौधा कौन सा है और कहाँ से मिलेगा। तो ये दोस्तों आल स्पाइसेस करके एक पौधा है जिसको आप गर्म मसाला भी कह सकते हैं। नर्सरी पर आप जाके मांगेंगे तो गर्म मसाले के पौधे के नाम से या आल स्पाइसेस के नाम से मिलेगा आपको ये। और इसकी जो पत्तियां हैं दोस्तों, इसमें कोई फल नहीं बनता, ये जो पत्तियां हैं इसकी ये ही हम यूज करते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, इसकी पत्तियों को आप किसी भी मसाले के लिए यूज कर सकते हैं। जब इसकी पत्तियों को आप तोड़ के और इस प्रकार से रगड़ के मसल के आप स्मेल करेंगे तो आपको सभी मसालों की खुशबू इनकी पत्तियों से आएगा। तो आप दाल में तड़का लगा सकते हैं, सब्जी में छौंका लगा सकते हैं, या फिर आप चाय में डाल सकते हैं, चावल बनाते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं आप। तो किसी भी प्रकार के मसाले की जो यूज आप करते हैं अपने किचन में, उन सब की जगह इसको यूज कर सकते हैं और वेल ऑर्गेनिक तरीके से अपने ही गार्डन से लेकर। और इसको ग्रो करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। पहले तो बहुत रेयर केसेस में अपने यहाँ मिलता था, पर अभी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगा। ये मेरा पौधा करीब 2 साल से मैं इसे लगा रखा हूँ, तो मैंने इसकी काफ़ी सारी प्रूनिंग भी कर रखी है। देखिए पहले सीधा पौधा स्ट्रेट था, पर इसकी प्रूनिंग कर देने की वजह से कई सारे ब्रांचेज आ गए और इसमें से रोज़ पत्तियाँ टूटती रहती हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कितनी सारी पत्तियाँ। तो हमें पत्तियाँ ही इस पौधे में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं बात करूं इसके लिए, जो पॉट साइज है वो 12 इंच का गमला सफिशियंट होता है, क्योंकि सिर्फ हमें पत्ते चाहिए। आप 10 से 14 इंच के गमले इसमें लगा सकते हैं। अब कौन सा पॉट लेना चाहिए, प्लास्टिक पॉट, सीमेंट पॉट या मिट्टी का पॉट? अगर मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो वो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर आप मिट्टी के गमले में नहीं लगा रहे, तो मैंने देखिए सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है और ये इसी गमले में करीब करीब 1.5 साल से, पहले 6 महीने में ये 8 इंच के पॉट में था, वहाँ से मैंने ट्रांसप्लांट करके इसे इस 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी मुझे दिख रही है। अगर कुछ कमी दिखेगी तो मैं इसे थोड़ा सा गमले में से निकाल के रूट प्रून करके वापस से फिर इसी गमले में इसे लगा लूँगा, पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा पौधा मेरा चल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि नर्सरी से इसे ले आना है, तो ले आने के बाद इसे लगाना कैसे है। ऐसे नॉर्मली दोस्तों ये साउथ का पौधा है, साउथ में ज़्यादा होता है, तो जब आप नर्सरी से लेके आते हो इसे, तो उसे चेक कर लो कि कौन सी मिट्टी में लगा हुआ है। अगर ये रेड सॉइल में लगा हुआ है या फिर चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, तो आपको मिट्टी पूरी तरह से रिमूव कर लेनी है। अभी बारिश का सीज़न आ भी गया है, तो इस सीज़न में अगर आप इस पौधे को ले आके नर्सरी से लगाते हो तो काफ़ी अच्छे से आपका पौधा आपके यहाँ सेटल हो जाएगा और ग्रो करने लग जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है पौधे को नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगाने का। तो ले आने के बाद आप उसकी रूट्स को पानी में डाल के मिट्टी साफ कर लें और फिर अपने गमले में, जिस भी गमले में आप लगाना चाहते हैं लगाएं। इसके लिए मिट्टी कैसे बनानी है, तो मिट्टी इसको बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी देनी है, क्योंकि पौधा मॉइस्चर पसंद नहीं करता है बहुत ज़्यादा। तो नॉर्मल मिट्टी का मतलब है कि आप 60% से 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए और 30% आप उसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए, बाकी थोड़ी मात्रा में अलग से रॉक फॉस्फेट और फंगिसाइड पाउडर कोई मिला लीजिए, जिससे कि कोई फंगस अटैक ना आ जाए। रॉक फॉस्फेट थोड़ी कैल्शियम की जरूरत को पूरी करता है, तो उसके लिए आप मिला सकते हैं। और बस इतनी सी मिट्टी मिला के आप लगा सकते हैं इस पौधे को। अगर आपके यहाँ की मिट्टी काफ़ी हार्ड है तो उसमें रूट्स को डेवलप होने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो उसमें 10 से 12% 15% तक आप राइस हस मिला सकते हैं, अगर मिट्टी हार्ड है तो। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी मिट्टी तैयार करनी है और गमले में इस पौधे को ट्रांसप्लांट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आज बात आ जाती है इसकी केयर की। तो सन लविंग प्लांट है, पूरे दिन की धूप में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पौधा काफ़ी अच्छे से, क्योंकि साउथ का पौधा है, साउथ में ज़्यादा अच्छे से होता है, तो उधर काफ़ी गर्मी भी होती है, तो वहाँ पर आपको पूरे दिन की धूप दिखानी है। और वाटरिंग जो है, ओवर वाटरिंग से इसमें आपको बचना है। तो कहने का मतलब है कि आप इसमें एक बार वाटरिंग कर दीजिए, फिर जब तक मिट्टी ड्राई ना हो आप इसमें वाटरिंग ना कीजिए, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग इस पौधे को पसंद नहीं है, इसीलिए हम इसमें राइस हस भी कम डालते हैं और कोकोपीट तो हम यूज ही नहीं करते हैं।
तो ओवर वाटरिंग से बचाना है इसको, और बारिश के सीजन में जो बारिश का पानी ज़्यादा पड़ जाता है उससे बचाना है, तो थोड़ी सी केयर बारिश के सीजन में इस पौधे को देनी है कि हमें इसको जो है थोड़ा ऐसी जगह पर रखना है जहाँ बारिश का पानी डायरेक्ट इसके गमले में ना जाए। तो दोस्तों ये तो वही बात मिट्टी की। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कंपोस्टिंग की। तो बहुत लेस केयर पे आपका ये पौधा चलने वाला है, और मैं दिखाऊं आपको कि मैं इसमें कंपोस्ट करीब 2 से 3 महीने में एक बार यूज करता हूं, और कंपोस्ट जो मैं यूज करता हूं वो नॉर्मल काउडंग है, काउडंग मैन्योर। साथ में कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ रॉक फॉस्फेट, जो कि मैंने आपको पहले बताया कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए। तो एक मुट्ठी के आसपास मैं इसी काउडंग कंपोस्ट में मिला लूँगा। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सीवीड, क्योंकि हमें पत्ते ही हार्वेस्ट करने होते हैं इसके, तो हमें कम से कम एक मुट्ठी के आसपास सीवीड इसमें मिला देते हैं। सीवीड जो है पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो रुकी हुई ग्रोथ को भी ये पौधे में, मरे हुए पौधे में भी जान ले आने का काम करता है। तो इस प्रकार से मैं इसकी जो कंपोस्ट है, बस बहुत ही सिंपल है इस पौधे की केयर, तो कोई भी अपने गार्डन में अभी इसको लगा सकता है और काफ़ी अच्छे से इससे सभी प्रकार के मसालों की कमी को अपने किचन में पूरी कर सकता है। तो देखिए ये कंपोस्ट इसकी रेडी हो गई है। अब इसको देना कैसे है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों कंपोस्टिंग का तरीका काफ़ी सिंपल है, बस आपको मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी है। अगर आपको रूट्स नहीं मिल रही हैं तो थोड़ी डीप गुलाई कर सकते हैं, अगर रूट मिल रही हैं आपको तो आप ज़्यादा डीप ना जाएं, क्योंकि फिर रूट डैमेज होने लग जाती हैं। इस प्रकार से देखिए हमने इसकी गुड़ाई कर ली है। अब हम इसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा साइड करेंगे। अगर ज़्यादा मिट्टी है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। दोस्तों हम कुछ मिट्टी इसमें से निकाल लेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप कंपोस्टिंग करते हैं तो ये देखिए जो साइड साइड में है इधर मिट्टी आपको चढ़ा के रखना है, क्योंकि वहाँ अगर हमारी कंपोस्ट रहेगी तो वो ड्रेनेज होल के पास पानी के साथ, साइड से पानी बहुत तेज़ी से नीचे जाता है, तो वहाँ से ड्रेनेज होल के पास कंपोस्ट जो रिस के जाएगा पानी के साथ वो चला जाएगा और ड्रेनेज होल के रास्ते बाहर निकल जाएगा, तो उसे कवर करके रखना है। और जो ये पौधे की स्टेम है इसके एकदम पास तक नहीं डालना है, थोड़ी यहाँ मिट्टी चढ़ा के रखनी ताकि डायरेक्ट रूट्स पे कंपोस्ट ना जाए। तो इस प्रकार देखिए हमने इन्हें एक लेयर कंपोस्ट की डाल लेनी है इसमें, और जो भी कंपोस्ट हम इसमें दे रहे हैं दोस्तों कोई भी नुकसान वाला नहीं है। अगर ये थोड़ा बहुत अधिक भी हो जाता है तो पौधे को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने जितना कंपोस्ट तैयार किया हुआ है सभी को इस प्लांट में दे देंगे, क्योंकि 2 से 3 महीने में एक बार ही देना होता है, तो पौधा काफ़ी अच्छे से चलता है। अगर आप पानी एक्सेस मात्रा में नहीं देते हैं तो आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर दोस्तों जो हमने मिट्टी बना निकाल रखी थी इस मिट्टी से वापस से इसे कवर कर देंगे। क्योंकि मैंने दोस्तों आज ही सुबह वाटरिंग किया है तो मैं अभी फ़िलहाल वाटरिंग नहीं करूंगा, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए समझाने के लिए ये कंपोस्ट दी है। जब मिट्टी थोड़ी ड्राई दिखेगी मुझे तभी मैं वाटरिंग करूँगा। अगर आपने वाटरिंग नहीं की हुई है तो कंपोस्ट देने के बाद आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी बातें थी आल स्पाइसेस के लिए, गरम मसाले के पौधे के लिए, जिसमें आपको सभी प्रकार के मसाले की कमी की पूर्ति आपके किचन में हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने गार्डन में गरम मसाला या आल स्पाइसेस का प्लांट लगा सकते हैं, किसी भी नर्सरी में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा पौधा कॉस्टली पड़ता है इसलिए इसकी केयर थोड़ी ज़रूरी है, पौधे को ले आके लगाएं तो उसे मरने नहीं देना है। तो दोस्तों अगर आप भी मसालों के शौकीन हैं तो इस पौधे को ज़रूर लगाएं अपने गार्डन किचन में, और लगाने के बाद कमेंट करें कि आपको ये पौधा कैसा लगता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।